ਚੱਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਚੱਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦਾ। अगर मैं इसे पीछे से दुलाटी मार दूं, तो इसकी गड्डी और तेजी से छलांगा मारेगी। ओए मैंने कहा कोई प्रॉब्लम हो गई क्या जो यहाँ लैंड कर दिया? चांद समझ के गलती से तो यहाँ नहीं आ गया। मेरा डोंकी सेंस बोल रहा है कि वहाँ कुछ खतरा है। हेलो जी, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम मिस्टर चड्ढा। मैं फुर्सतगंज। ये तो एलियंस है। भाग चड्ढा भाग। क्यों पकड़ लिया? अरे छोड़ो मुझे, उन एलियंस को इंसान चाहिए, गधा नहीं। छोड़ो छोड़ो मुझे, वीर बचाओ बचाओ, कोई है, पुलिस बचाओ, बच्ची की बचाओ हमें। मिस्टर चड्ढा अपने साथ मुझे क्यों फंसा रहे हैं? बचाओ हमें। भाग चुलबुल, जल्दी जल्दी भाग। अरे मेरे पीछे क्यों पड़े हो, उतरो। थैंक यू चुलबुल, पहली बार तुम्हारी दुलत्ती खा के अच्छा लग रहा है। मिस्टर चड्ढा का पैर जाल से ना छूटा होता तो वो एलियंस मुझे भी ले गए होते। ऊपर वाले ने बचा लिया। कल रात एक एलियन शिप आया और फुर्सतगंज के कुछ लोगों को पकड़ के ले गया है। हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर चड्ढा, जिन्होंने अपनी बहादुरी से ना ही खुद को बचाया बल्कि एलियन को भागने पे मजबूर कर दिया, वरना वो पूरे फुर्सतगंज को पकड़ के ले जाते। मिस्टर चड्ढा ने बहादुरी से फुर्सतगंज को बचाया? मिस्टर चड्ढा आप बताइए कल रात क्या हुआ? कल रात जब मैं अपने घर जा रहा था, मैंने एक एलियन स्पेसशिप देखा और देखा वो लोग अपने जाल में कुछ लोगों को फंसा के घसीटते हुए अपने स्पेसशिप में ले जा रहे थे। हमारे पड़ोस का एक गधा चुलबुल भी उनके जाल में फंसा था। बस फिर क्या था, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कुंग फू कराटे मार्शल आर्ट्स जो कुछ भी मुझे आता था उसका इस्तेमाल करके उन्हें इतना मारा कि वो मेरे पैरों पे गिर के माफी मांगने लगे। बोले हमें छोड़ दो, हम सब आदमियों को वापस कर देंगे। मैं उनकी बातों में आ गया। वो स्पेसशिप में गए और पहले चुलबुल गधे को छोड़ा, फिर स्पेसशिप लेकर बाकी आदमियों के साथ भाग गए। काश मैं उन आदमियों को बचा सकता, वो एलियंस मेरी आंखों में धूल झोंक गए। छोड़ूंगा नहीं इस बार मिले तो। धूल तो ये झोंक रहा है सबकी आंखों में, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। अभी जाके चार दुलाटी मारता हूँ। वहाँ तो बच्चों की तरह रो रो के बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, और अब टीवी पे देखो क्या कह रहा है। दादाजी क्या वो दोबारा भी आ सकते हैं? क्या पता, मैंने अपने सब रडार ऑन कर दिए हैं। अगर वो धरती के एयर स्पेस में एंटर भी करेंगे ना तो मुझे खबर हो जाएगी। चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। हाँ हाँ चलो चलो, मुझे उस चड्ढा को दुलाटी मारनी है। मिस्टर चड्ढा थैंक यू। मिस्टर चड्ढा हमें तो पता ही नहीं था आप इतने बहादुर हैं। एलियन से लड़ने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा फर्ज था। थ्री चीयर्स फॉर मिस्टर चड्ढा। हिप हिप हुर्रे हुर्रे हुर्रे। सब रडार ऑन है, आज अगर एलियन शिप आया तो हमें पता चल जाएगा। ये कैसे हो सकता है,
एलियन शिप आ चुका है और वो फुर्सतगंज की धरती पर लैंड कर रहा है। लेकिन हमें तो उसकी खबर तब मिलनी चाहिए जब वो धरती के एयर स्पेस में एंटर कर रहा हो। वीर, तुम जाकर चेक करो, मीनार के पास कहीं लैंड किया है, जल्दी जाओ। चड्ढा अंकल। मिस्टर चड्ढा, आप साथ हैं इसलिए हमें डर नहीं लग रहा। चिंता मत करो, अब एलियंस यहाँ कभी नहीं आएंगे। उनको मालूम है कि फुर्सतगंज का रखवाला चड्ढा है। ये लोग तो फिर आ गए, भागो! अरे मिस्टर चड्ढा, कहाँ जा रहे हो भाई? आप इन्हें कल की तरह मार मार के भगा दो। हाँ जी, आप भाग क्यों रहे हो? अरे तुम लोग नहीं जानते, ये बहुत खतरनाक है। मैं अकेला होता तो लड़ लेता, लेकिन तुम लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। इमली भाग यहाँ से, जल्दी। हाँ, मैं वीर को लेकर आती हूँ। इमली, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे मम्मी पापा और बाकी सबको बचा लेंगे। ओके वीर, अपना ध्यान रखना, मैं अपनी लैब में जाता हूँ। चलो इमली। दादाजी, मैं वीर के साथ रहूंगी। ओके इमली। वीर, वो फिर लैंड कर रहे हैं, लोकेशन फूल चौक। मैं जाके देखता हूँ। बचाओ, हो रहे, चलो चल के देखते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं। सामने मत आना। ओके।
एपिसोड ऑन। तुम तो एलियन नहीं हो। पहचानो मैं कौन हूँ वीर, पहचानो। कितने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, आखिर आज तुम मेरी चंगुल में आ ही गए। बॉस, you're genius, super duper genius. She is right, boss. She is right. Oh, तो तुम मैड मैक्स हो? Yes, you are right. बहुत इंतजार किया है मैंने तुम्हारा। अब मैं तुम्हारे पूरे सिस्टम को स्टडी करके तुम जैसे कई रोबोट बनाऊंगा, और डॉक्टर प्रेम सहाय कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। डॉक्टर प्रेम सहाय, मैं जीत गया डॉक्टर प्रेम सहाय। तो ये नकली एलियंस का ड्रामा तुमने मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए किया था? सही समझे तुम बच्चे, सही समझे। तुम्हारे अंदर एक कमजोरी है कि तुम हर समय अच्छा ही सोचते हो, दूसरों की भलाई की सोचते हो। मैंने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और तुम्हें यहाँ ट्रैप कर दिया। दूसरों की भलाई सोचना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इसे सुबह तक यहीं लटके रहने दो, जब इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी फिर इसे नीचे उतारेंगे। आई एम ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। दादाजी वीर कहाँ है? वो एलियंस के पीछे गया था, वीर का कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे उसके स्पेसशिप को ट्रैक करके उसे ढूंढना होगा। वीर का स्पेसशिप उस डायरेक्शन में है, जल्दी ही मिल जाएगा। रहा तुम लोगों का चाय नाश्ता। बॉस, यह आदमी एक छोटे स्पेसशिप से हमारे डेन में घुस के जासूसी कर रहा था। डॉक्टर प्रेम सहाय, वेलकम वेलकम। आखिर तुम्हें मेरे दरवाजे पे आना ही पड़ा। वीर कहाँ है? वो जहाँ भी है बड़े आराम से है, और उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मैं वीर जैसे कई रोबोट बना के दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे वीर से मिलाओ फौरन। मिलाता हूँ, जल्दी क्या है। दादाजी भी यहाँ मैड मैक्स के कब्जे में है, जल्दी चलो सबको छुड़ाना है। एक मिनट इमली, जब वो मुझे इस टेबल पे लेटा रहे थे तो मेरे अंदर कुछ पावर बाकी थी, और मैंने सुना था कि ब-
बॉस बॉस, इस चेन से वीर को बांध देते हैं वरना ये भाग जाएगा। ये इस टेबल से उठा तो ब्लास्ट हो जाएगा और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सुन रहे हो वीर, मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर अभी इतनी एनर्जी बाकी है कि तुम सुन सकते हो। इस टेबल से उतरना मत वरना ये फट जाएगा। इमली, मैं इस टेबल से नहीं उतर सकता, मेरे यहाँ से उतरते ही ब्लास्ट हो जाएगा। वीर, तुम्हारे और मेरे वजन में ज्यादा फर्क नहीं, तुम्हारा उतरना जरूरी है। मैं तुम्हारी जगह इस पे लेट जाती हूँ, तुम सबको छुड़ा के फिर मुझे यहाँ से छुड़ा लेना, ठीक है? थैंक्स इमली, तुम जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। इमली, मैं जल्दी ही आऊंगा, तुम किसी भी हाल में स्टेबल से उतरना नहीं। ओके वीर। डॉक्टर प्रेम सहाय, लो देखो अपने वीर को, आज वो कितना बेबस असहाय है और तुम कुछ नहीं कर सकते। खत्म हो गया है, अपने हाथ ऊपर कर दो और चुपचाप हमारे साथ चलो। मैं मैड मैक्स हूँ, कोई मामूली मुजरिम नहीं जो हाथ ऊपर करके चल दो। नंबर वन, वीर को डिस्ट्रॉय कर दो। शाबाश नंबर टू। इस वीर को डिस्ट्रॉय कर दो, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैक्स, मेरे ख्याल से तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। आज तुमको कोई नहीं बचा सकता वीर। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते वीर। दादाजी को टाटा बाय बाय कर दो। अभी नहीं मैडम। जेट शूज ऑन। जेट शूज ऑन।
jet shows off. Mayday! Off-plane! Off-plane! Yes! Wingsuit on! Wingsuit on! डॉक्टर प्रेम सहाय, वीर मेरे पास नहीं तो तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा। अब ये पूरा लैब कुछ ही सेकंडों में बर्बाद हो जाएगा। बाय बाय। बाय बाय डॉक्टर प्रेम सहाय। बॉस, बॉस, मुझे भी ले चलो बॉस। वीर, जल्दी इस जगह से बाहर निकलना होगा। यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं। वो देखो, दादाजी रोबो बॉय को लेकर आ रहे हैं। ये! 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 टाइम नहीं है, जल्दी आप सब मेरे स्पेसशिप में बैठ के निकल जाइए। दादाजी, मेरा स्पेसशिप ऑटोमेटिक है, आप सिर्फ ये स्विच ऑन का बटन दबा देना और वो अपने आप आपको उड़ा के फुर्सतगंज में उतार देगा। ओके रोबो बॉय। इमली, इमली कहाँ है? मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ, आप लोग निकलिए। You're welcome, Emily.